कुछ तो खास है इस टाइगर रिजर्व में कि इसे जितने बार भी देखो वो कम ही लगता है। फिल्मी स्टाइल में बोले तो यहाँ की हवा में कोई जादू है जो हमेशा इसकी तरफ खींच कर ले आता है। हेलो वाइल्ड लाइफ लवर्स, फॉरेस्ट निंजा के इस चैनल में और इस नए जंगल सफारी वीडियो में आपका स्वागत है। अपने इस ट्रिप में हम जा रहे हैं इंडिया के एक बहुत फेमस और वाइल्ड लाइफ लवर्स की एक फेवरेट लोकेशन जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की जंगल सफारी में। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में शानदार वाइल्ड लाइफ, खूबसूरत बर्ड्स और दिल को छू जाने वाले नेचुरल लैंडस्केप्स देखने को मिलते हैं। अपने इस जंगल सफारी ट्रिप में हम 3 दिन स्टे करने वाले हैं जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सबसे फेमस एकाला जोन में। ट्रिप की शुरुआत करते हुए हम जा रहे हैं धनगरी गेट, जो कि ढिकाला जोन का एंट्री गेट है। रास्ते में हमें एक सांबर डियर भी दिखा जो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। कितना अलर्ट है ये डियर और इसके कानों के मूवमेंट से ये क्लियर पता चल रहा है कि ये हर टाइप के खतरे को सुनने की कोशिश कर रहा है। इस सांबर डियर को देखने के बाद हम आ गए हैं धनगरी गेट। धनगरी से ढिकाला के रास्ते में काफी एनिमल्स देखने को मिले। और एक अनएक्सपेक्टेड साइटिंग भी हो गई टाइगर की। हमें रास्ते में टाइगर के पगमार्क्स दिखे और उसका फ्रेश स्कैट। और यहां से थोड़ी दूर पर रेस्ट करते हुए दिख रहा था एक टाइगर। सफारी के शुरुआत में ही एक टाइगर को देखना ये एक बहुत अच्छी स्टार्ट है हमारे लिए। इस खूबसूरत फॉरेस्ट और जंगली जानवरों को देखते हुए हम आ पहुंचे हैं ढिकाला जोन के रेस्ट हाउस में। जिम कॉर्बेट एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां आप कोर एरिया में रात को रुक सकते हैं, मतलब लिटरली आप जंगल के बीच में हैं और आपके आसपास होंगे जंगली जानवर। फॉरेस्ट और आपके बीच में सिर्फ एक सोलर फेंसिंग है। रात को ऐसे एरिया में रुकना ये सोचकर ही काफी एक्साइटिंग लगता है। ढिकाला में स्टे के लिए डॉर्मेट्री और रेस्ट हाउस की फैसिलिटी अवेलेबल है। इनकी बुकिंग की डिटेल्स वीडियो के एंड में दी गई है। रेस्ट हाउस में चेक इन करने के बाद हम रेडी थे अपने फर्स्ट सफारी के लिए। सफारी के लिए जा रहे जिप्सीज का नजारा भी देखने लायक है। कच्ची सड़क पे धूल उड़ाती ये गाड़ियां जा रही थी इंडिया के बेस्ट टाइगर रिजर्व की वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए। हम भी निकल पड़े थे अपनी सफारी के लिए। अपनी सफारी की शुरुआत करते हुए हम आ गए हैं रामगंगा रिवर के किनारे। रामगंगा रिवर का बहता पानी और इस नदी के पीछे दिखते हुए पहाड़ इस लैंडस्केप को एक अलग ही खूबसूरती देते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन भी है जहाँ टाइगर की साइटिंग बहुत होती है। हमने यहाँ एक टस्कर को रिवर क्रॉस करते हुए देखा। यहाँ से आगे बढ़े तो नदी के किनारे एक जंगली हाथियों का झुंड दिखा। ये हाथी मडपाथ ले रहे थे। इन हाथियों को देखने के बाद हम ग्रासलैंड की तरफ निकल गए। ढिकाला का ग्रासलैंड एरिया बहुत फेमस है टाइगर साइटिंग के लिए। ग्रासलैंड में हमें क्यूट सा एनिमल का पेयर देखने को मिला। इसे येलो थ्रोटेड मार्टिन और लोकल भाषा में चुत्रोल बुलाते हैं। ये पेयर ग्रासलैंड में पीकॉक को हंट करने की कोशिश कर रहा था। ग्रासलैंड में एक हाथियों का झुंड दिखा और उनसे कुछ दूर पे एक टस्कर जो भागते हुए उस झुंड की तरफ आ रहा था। पहले तो हमें समझ नहीं आया कि वो टस्कर भाग क्यों रहा है, लेकिन बाद में हमें इसका रीजन क्लियर हो गया।
हम वहीं खड़े होकर इस टस्कर को देख ही रहे थे कि एक टाइगर ग्रासलैंड से निकलता हुआ दिखाई दिया। इसी कारण से वो टस्कर भी भागकर जा रहा था। ढलते सूरज के साथ टाइगर की सेंट्री ने इस सीन को और भी खूबसूरत बना दिया था। मन नहीं हो रहा था इस खूबसूरत मोमेंट को छोड़ के जाने का, लेकिन टाइम हो गया था इसलिए हमें वापस रेस्ट हाउस की तरफ लौटना पड़ा। डे टू की मॉर्निंग सफारी में हमें ढिकाला की खूबसूरती का अंदाजा हुआ। धुंध से ढका हुआ जंगल और उस पर पड़ती सूरज की किरणों ने पूरे ग्रासलैंड को एक सुनहरी चादर से ढक दिया था। ढिकाला के इस खूबसूरत ग्रासलैंड को देखने के बाद हम पहुंचे हैं साल के फॉरेस्ट में। यहाँ हमें चीतल का बहुत ही क्यूट मोमेंट देखने को मिला। इस क्यूट मोमेंट को कैप्चर करने के बाद हम आगे बढ़े तो हमें चीतल की अलार्म कॉल्स ने अलर्ट कर दिया। अलार्म कॉल्स को सुनते हुए हम एक लोकेशन पर वेट करने लगे। यहाँ पर एक पेड़ पर टाइगर के स्क्रैच मार्क्स दिख रहे थे। अलार्म कॉल्स को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़े तो एक टाइगर रोड पे आता हुआ दिखा। फीमेल है, फीमेल। इस टाइगर को देखने के बाद हम आगे बढ़ते हुए सांबर रोड पे पहुंच गए। यहाँ हमें हाथियों का और सांबर डियर का एक झुंड पानी पीते हुए देखने को मिला। रामगंगा रिवर इस जंगल की लाइफलाइन है और सांबर रोड के इस एरिया में बेस्ट वाइल्ड लाइफ साइटिंग होती है। कल इसी जगह पे हमने एक टस्कर को रिवर क्रॉस करते हुए देखा था। सांबर रोड पे आगे बढ़ते हुए चीतल का एक झुंड दिखा, जहां दो मेल चीतल फाइट के लिए रेडी थे। जरा गौर से देखिएगा कि कैसे फाइट के लिए दोनों एक दूसरे को इनवाइट कर रहे हैं। स्पॉटेड डियर की ये फाइट अपने डोमिनेंस को दिखाने के लिए और फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए होती है। इस क्यूट फाइट को देखने के बाद हम आगे बढ़े तो रेस्टिंग एरिया के एग्जिट गेट पे एक टस्कर देखने को मिला। गाइड ने बताया कि इसी टस्कर ने एक दिन पहले एक जिप्सी पे चार्ज किया था। आफ्टरनून सफारी में हम बर्डिंग के लिए ग्रासलैंड में घूम रहे थे। बर्डिंग करते हुए हमें चीतल की अलार्म कॉल सुनाई दी। ना अभी नहीं मारा, हंटिंग पे है। इन अलार्म कॉल्स को फॉलो करते हुए सभी जिप्सीज एक लोकेशन पर फिक्स हो गई थी और इन जिप्सीज को क्रॉस करने के लिए निकला ये टाइगर। टाइगर की इस रॉयल वॉक को देखना एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था और शायद अब तक की ये सबसे बेस्ट टाइगर साइटिंग थी। टाइगर की रॉयल वॉक देखने के बाद हम सांबर रोड की तरफ बढ़ चले। हम वहां पहुंचे तो रिवर के दूसरे साइड पे एक टाइगर को रेस्ट करते हुए देखा। हमने लगभग 40 मिनट तक उस टाइगर को सोते हुए देखा। उसके बाद जो एक्सपीरियंस हुआ वो हमारे लिए बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। टाइगर जब उठा तो उसने चीतल के एक ग्रुप को नदी के किनारे देखा और वो तुरंत अटैक के लिए रेडी हो गया। हमें चीतल तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन टाइगर के इस एक्शन से अंदाज़ा लगाया कि वो हंटिंग के मूड में है। तब हमने उस टाइगर को रिवर क्रॉस करते हुए और हंटिंग करते हुए देखा। टाइगर के इस हंटिंग सीन को देखने के लिए सभी जिप्सी ट्राई कर रही थी, जिस कारण से हम उस टाइगर का हंटिंग वीडियो कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत ही थ्रिलिंग था। सफारी से वापस लौटते वक्त एक क्यूट बार्किंग डियर भी देखने को मिला। इस डियर के खाने के मेन्यू में आज वाइल्ड मशरूम था।
किंग डियर्स बहुत ही शाय होते हैं और ह्यूमंस को देखते ही भाग जाते हैं, लेकिन ये भाई शायद आज अपने खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था। इस क्यूट डियर को देखने के बाद हम वापस लौट चले थे रेस्ट हाउस की तरफ। आज के दिन की जंगल सफारी बहुत ही एडवेंचरस थी। 3 टाइगर्स के अलावा हाथियों को पानी पीते हुए और चीतल की फाइट ने इस सफारी एक्सपीरियंस को बहुत ही स्पेशल बना दिया था। अपने तीसरे दिन के मॉर्निंग सफारी में हम ग्रासलैंड की तरफ निकले ही थे कि ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के गेट के पास हमें एक गोल्डन जैकॉल का एक क्यूट सा कपल देखने को मिला। जैकॉल को देखने के बाद हम आगे बढ़े तो हमें एक बेबी एलिफेंट फीडिंग करते हुए देखने को मिला। एलिफेंट्स बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिएचर होते हैं और आप ये यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए कैसे ये एलिफेंट एक टूटे हुए पेड़ को यूज कर रहा है अपनी बॉडी को स्क्रैच करने के लिए। इस लोकेशन पे एलिफेंट्स का एक पूरा झुंड था और हमने कुछ एलिफेंट्स को रोड क्रॉस करते हुए भी देखा। हम यहाँ से सांबा रोड के लिए जा रहे थे तो रास्ते में हमें कुछ जिप्सीज वेट करते हुए देखी। हम भी वहाँ रुक गए और वेट करने लगे और थोड़ी ही देर में हमने एक टाइगर को रोड क्रॉस करते हुए देखा। अपनी सफारी में हम रामगंगा रिवर के किनारे खड़े होकर फॉरेस्ट की खूबसूरती को एक्सप्लोर कर रहे थे। बहुत ही शानदार सीन था ये, रामगंगा रिवर का बहता हुआ साफ पानी और उसके पीछे दिखते हुए कॉर्बेट का घना जंगल। हम यहाँ खड़े होकर इस खूबसूरत सीन को एंजॉय कर ही रहे थे कि सांबा डियर के अलार्म कॉल्स ने हमें अलर्ट कर दिया। सांबा डियर के अलार्म कॉल्स के कुछ देर बाद एक टाइग्रेस को हमने झाड़ियों से आते देखा। ये थी टाइग्रेस पार वाली। इस खूबसूरत टाइग्रेस को देखने के बाद हम ग्रासलैंड एरिया की तरफ चले गए। यहाँ पे हमें अलग अलग बर्ड स्पीशीज देखने को मिल रही थी। इन खूबसूरत बर्ड्स को देखने के बाद हम फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे तो हमें कुछ जिप्सीज वेट करती हुई दिखी। यहाँ चीतल की अलार्म कॉल्स चल रही थी और थोड़ी देर में टाइगर एक चीतल को चेस करते हुए देखा। अनफॉर्चुनेटली उसका अटेम्प्ट फेल हो गया और वो वापस लौट रहा था। शिकार और शिकारी का एक शानदार सीन था जहां हम मूक दर्शक बन के बैठे हुए थे। जिम कॉर्बेट की बुक्स में पढ़ी हुई वो सारी स्टोरीज आज हमें अपने जंगल सफारी में याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम वो लाइफ जी रहे हैं। शिकारी
शिकार और शिकारी के सीन को देखने के बाद हम वापस रेस्ट हाउस आ गए थे। आज हमारी ट्रिप की ये लास्ट सफारी होने वाली थी। अब इच्छा थी कि हम वापस जाने से पहले पूरे फॉरेस्ट को एक बार एक्सप्लोर कर लें। इस उद्देश्य के साथ हम ढिकाला के अलग अलग एरियाज में घूम रहे थे। इस दौरान हमें काफ़ी खूबसूरत बर्ड्स और एनिमल्स को अलग अलग लैंडस्केप में देखने का मौका मिला। 3 दिन से हम इस फॉरेस्ट में घूम रहे हैं, लेकिन हर बार ये नया ही लगता है और नए नए सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं। अपने इस 3 दिन के ट्रिप में हमें इतने खूबसूरत लैंडस्केप्स, वाइल्ड लाइफ के इतने शानदार मोमेंट्स और टाइगर्स की इतनी बेस्ट साइटिंग करने को मिली। शायद इसलिए जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ लवर्स की पसंदीदा जगह है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के रामनगर ब्लॉक में सिचुएटेड है। रामनगर पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर, देहरादून और दिल्ली है। आपको दिल्ली से ट्रेन और टैक्सी सर्विसेज भी रामनगर के लिए मिल जाएंगे। रामनगर में एक रेलवे स्टेशन भी है जहां से कई स्टेट्स के लिए डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी भी मिलती है। जिम कॉर्बेट की सफारी बुकिंग और नाइट स्टे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप बुक कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी के कई जोन्स हैं और कुछ जोन्स में आपको स्टे की भी फैसिलिटी मिल जाएगी। इन सब की बुकिंग्स आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। सफारी चार्जेस भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब वक्त हो गया आपसे अलविदा कहने का। उम्मीद करते हैं आपने ढिकाला जोन की इस जंगल सफारी को एंजॉय किया होगा। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस के साथ। तब तक जुड़े रहिए आप हमारे इस चैनल फॉरेस्ट निंजा से।